इस साल का MWC खत्म हो गया है और बहुत सारे नए फोन्स देखने को हमें मिले, और मतलब बहुत सारे लीक्स पहले से हमारे पास थे, हमें पता था क्या क्या लॉन्च होने वाला है, बट फिर भी वो एक्चुअल में लॉन्च होते हुए देख के काफी सही सही चीजें हमें पता चली फोन्स के बारे में। बट एक फोन ऐसा था जिसके बारे में हमें भाई बिल्कुल आइडिया नहीं था लॉन्च होने वाला है, और भाई अब जब वो लॉन्च हो गया है तो वन ऑफ द कूलेस्ट फोन्स है वो इस साल का जो लॉन्च हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कूल है इस फोन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे LG G8 ThinQ के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो भाई LG ने अपना 2019 का फ्लैगशिप लॉन्च कर दिया है, LG G8 ThinQ इसका नाम है। पिछले साल LG G7 ThinQ आया था, उसका सक्सेसर है, और मतलब बहुत कम आइडिया था हमें इस फोन के बारे में, ये पता भी नहीं था कि LG लॉन्च करेगा या नहीं। मतलब LG की हालत आपको पता ही है कैसी चल रही है स्मार्टफोन मार्केट में। वैसे मैं आपको बता दूं, LG के फोन उतने बुरे नहीं होते यार। मतलब LG G4 मैंने यूज किया था, काफी अच्छा फोन था। LG V30 जो 2 साल पहले आया था वो बहुत अच्छा फोन था, और अपने प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी वैल्यू थी। पर हमेशा LG के फोन में कुछ ना कुछ चीज ऐसी लैकिंग होती है जिससे वो बाकी फोन्स के पीछे रह जाता है। वो वाव फैक्टर कभी नहीं होता है LG फोन्स पे, तो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग। तो इस साल शायद LG ने वही चेंज करने के लिए भाई LG G8 ThinQ में काफी वाव चीजें डाल दी हैं। पहले तो मैं आपको नॉर्मल स्पेक्स बता देता हूँ इस फोन के। तो भाई जो नॉर्मल जो फ्लैगशिप वाले स्पेक्स हैं वो सब है इसमें। स्नैपड्रैगन 855 है, 6GB रैम से स्टार्ट है, 128GB से 512GB तक की स्टोरेज ऑप्शंस हैं। आगे आपको भाई एक OLED स्क्रीन मिल जाती है 6.1 इंच की, AMOLED डिस्प्ले है 2K रेजोल्यूशन के साथ। और जहाँ बाकी फ्लैगशिप्स भाई फैंसी डिजाइन ट्राई कर रहे हैं, पॉप आउट कैमरा, ये वो, इन डिस्प्ले और मतलब पंच होल कैमरा, वहां पे भाई LG ने बहुत सिंपल रखा है, नॉर्मल अपना नॉच दिया है। तो LG ने वहां पे बिल्कुल इनोवेशन नहीं दिखाया है। बाकी ऑल ग्लास डिजाइन है, पीछे आपको या तो डुअल कैमरा सेटअप का ऑप्शन मिल रहा है या ट्रिपल कैमरा सेटअप का ऑप्शन मिल रहा है, और आगे भी आपको मिल रहा है डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें से एक है भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा, TOF कैमरा, जो भाई इस साल की नेक्स्ट बिग थिंग बनने वाला है। तो भाई अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो मतलब काफी डिसेंट सा फ्लैगशिप है, मतलब सब कुछ ठीक है। प्राइस अगर थोड़ा ठीक सा रख देगा LG तो इतना बुरा फोन नहीं होगा, सब सही सा है फोन में। बट भाई जो इसके स्पेशल फीचर जो भाई LG ने इनोवेशन किया है, तो मतलब डिजाइन में कुछ चेंज नहीं किया, ऊपर नॉर्मल सा नॉच डाल दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि LG ने भाई इनोवेशन नहीं किया है, बहुत खतरनाक चीज LG लाया है। तो भाई पहले एप्पल ने स्टार्ट किया था भाई फिंगरप्रिंट स्कैनर लाना, उसके बाद भाई हम मूव ऑन करें फेस आईडी पे, फिर सैमसंग ने ट्राई किया भाई आयरिस स्कैनिंग, पर इन सब से कुछ बात बन नहीं रही थी। तो भाई LG ने कहा कि हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे इसको। तो भाई LG अब लेके आया हैंड आईडी। बेसिकली काम कैसे करता है कि तो भाई आगे जो डुअल कैमरा सेटअप है उसमें से एक टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा है, TOF कैमरा, जिससे आप 3D मैपिंग कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उस कैमरा के सामने हो। तो LG G8 में भाई आप अपने हाथ कि 3D मैपिंग करवाते हो, और जो कैमरा है वो आपकी वेन के स्ट्रक्चर्स को रीड करता है। और LG का कहना है भाई कि फिंगरप्रिंट स्कैनर को फूल करना आसान है, फेस आईडी को भी फूल करना थोड़ा सा आसान है, बट भाई जो वेन स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी आप फूल नहीं कर सकते। तो जो आपका हाथ है वो सिर्फ आपका ही हाथ है। बेसिकली LG G8 भाई आपके हाथों में आपके जो वेन्स में से जो खून जा रहा है भाई वो सब सेंस करके भाई फोन अनलॉक करेगा। पर इसका मतलब ये भी है कि जब भी आप फोन अनलॉक करोगे तो आप एकदम सिंगम टाइप का आपको कुछ जेस्चर करना पड़ेगा फोन के सामने। और अभी तक जितने भी रिव्यूअर्स ने ट्राई किया है उन सबके मिक्स्ड रिएक्शन है इसके बारे में। मतलब सबको लग रहा है कि हाँ कॉन्सेप्ट तो कूल है, बट जो उसका इंप्लीमेंटेशन है वो अभी उतना कंसिस्टेंट नहीं है, काफी टाइम लग जाता है अनलॉक करने में, और मतलब हर बार रीड भी नहीं करता है, और आपको एक कंसिस्टेंट हाइट पे रखना होता है। तो ये काफी चीजें देखने वाली। पर अनलॉकिंग के अलावा और भी काफी कूल चीज कर सकता है भाई ये LG G8 का TOF कैमरा आगे वाला। तो बेसिकली आप अपना हाथ को आपको कैमरे के ऊपर रखना है, और फिर एक बार जब वो रीड कर लेगा तो आप कुछ जेस्टर्स कर सकते हो जिससे आप अलग अलग काम कर सकते हो। बेसिकली आप कुछ एप्स खोल सकते हो, मैसेजिंग, म्यूजिक, ये सब आप खोल सकते हो, या फिर आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, आप कुछ चीजें एडजस्ट कर सकते हो, कुछ चीजें स्क्रोल कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। बट मुझे भाई थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल लग रहा है कि कौन ये एक्चुअली यूज करने वाला है, क्योंकि LG ने तो जैसे बोला कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो या फिर अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो। तो कुकिंग में मैं फिर भी समझ सकता हूँ कि भाई हाथ गंदे हैं तो ठीक है, आपने ऊपर से ऐसे कर लिया। भाई ड्राइविंग में अगर आप मतलब रोड छोड़ के अगर आप अपने फोन के साथ ऐसे ऐसे कर रहे हो तो मत करो भाई, उससे अच्छा आप टच करके खत्म कर लो, वो ज्यादा इजी चीज है। तो मतलब बहुत ही लिमिटेड यूज के सिनेरियोज मुझे लग रहे हैं फोन के मामले में एटलीस्ट कि LG की ये टेक्नोलॉजी को यूज करने वाला है। हाँ ये हो सकता है कि LG भाई TVs बनाता है, तो अगर TVs में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप भाई ऐसे बैठे बैठे बिना रिमोट के आप अपने हाथ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो,
वो चीज काफी अच्छी हो सकती है और मुझे लगता है LG G8 में ये वाले फीचर्स लाने के लिए LG बस ट्राई कर रहा था कि मतलब वो इम्प्रूव करना चाहता है इन चीजों को और फिर वो टीवी में भी रोल आउट करेगा ये चीजें जल्दी ही। तो ये बस आई थिंक ट्रायल रन है उसका फोन्स के साथ, क्योंकि फोन तो टच करना ही पड़ेगा आपको अगर यूट्यूब वीडियो भी चलानी है या फिर कुछ भी और करना है तो भाई फोन तो टच करना ही पड़ेगा। तो वो सारा पॉइंट तो लॉस्ट हो जाएगा कि आप बिना फोन टच करे ये सब कर सकते हो। और एक और बढ़िया चीज है भाई, जब भी आप LG G8 के जेस्टर्स यूज कर रहे होगे तो आपको हमेशा चम्मक छल्लो स्टेप याद आ जाएगा शाहरुख भाई का कि भाई ऐसे लगोगे आप जब कुछ LG G8 यूज कर रहे हो। तो ये है भाई LG G8 ThinQ LG का 2019 फ्लैगशिप और अभी बस शोकेस किया है LG ने इसको, मतलब एक दो महीने में लॉन्च करेगा और प्राइसिंग पे इसके सब कुछ डिपेंड करता है। इंडिया में आना चाहिए ये फोन, G7 जब आया था तो 37,990 का था और अगर G8 भी उसी प्राइस में आ जाता है तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकता है OnePlus वगैरह को। क्योंकि आप देखो कि भाई LG वन ऑफ दी ओनली कंपनीज रह गई है जो भाई अभी तक हेडफोन जैक दे रही है और साथ में आपको बूम बॉक्स स्पीकर भी मिलता है और डैक पॉड डैक मिलता है जिससे भाई ऑडियो साउंड बहुत अच्छा आता है हेडफोन्स के थ्रू। मतलब फीचर्स काफ़ी हैं LG के फोन्स में, बट ये जो ऊपर से उन्होंने गिमिक्स डाले हैं भाई हैंड आईडी वगैरह, ये मुझे पता नहीं ये कितना काम करने वाले हैं, बट तब भी मतलब फ़ोन बुरा नहीं है, फ़ोन बिल्कुल बुरा नहीं है, फ़ोन काफ़ी अच्छा है ऑन पेपर तो काफ़ी अच्छा है और LG के फ़ोन जनरली काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं। अब देखना पड़ेगा कि भाई प्राइस इंडिया में क्या रखता है। LG फोन्स के साथ प्रॉब्लम वही है कि भाई वो वाओ फैक्टर नहीं दे पाते हैं जैसे गैलेक्सी S10 जो अभी लॉन्च हुआ है उसमें एकदम से सैमसंग ने तबाही सी मचा दी है कि भाई नेक्स्ट फ्लैगशिप वाला। तो भाई LG के साथ वो होता है प्रॉब्लम कि मार्केटिंग उनकी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी सैमसंग की है या जितनी हुआवे की है। बट भाई फ़ोन ठीक है और मैं वेट कर रहा हूँ डेफिनेटली कि मेरे हाथ में फ़ोन आए और मैं ज़रूर ये करके ट्राई करना चाहता हूँ LG G8 के साथ। चलिए फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, आप मुझे बताइए आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है और आप और कौन से फ़ोन के लिए एक्साइटेड हो जो MWC में अभी शोकेस किया गया। तब तक के लिए बाय।